तो पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। सरकार ये गारंटी लेगा क्या कि हम रुक जाएं, अगर पेशेंट को हम उपचार के लेके चले जाएं, गारंटी लेगा कि सरकार की ड्राइवर को कोई हाथ नहीं लगा करके। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा। 10 साल का सजा बोल रहे हैं, ड्राइवर भाग गया 7 लाख का जुर्माना बोल रहे हैं। यही 7 लाख हमारे पास रहता सर तो हम लोग यहाँ ड्यूटी करने गाड़ी चलाने नहीं आते। आखिर क्यों बस ट्रक के ड्राइवर सड़कों पर उतरे हैं? क्या सरकार हिट एंड रन केस में किए बदलाव वापस लेगी? दरअसल केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना कम करने के लिए हिट एंड रन केस में बदलाव किए हैं, जिसके मुताबिक अगर सड़क दुर्घटना हो जाती है और ड्राइवर वहां से भाग जाता है और अगर घायल की मौत हो जाती है तो ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, और अगर वह घायल को इलाज के लिए लेकर जाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। इस बदलाव को लेकर बस ट्रक के ड्राइवरों में भारी आक्रोश है। सबसे पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इसका विरोध किया, उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में बस और ट्रक के ड्राइवर सड़कों में उतर गए। ड्राइवरों ने सड़कों पर जाम लगा दिया है और सरकार से इस कानून को काला कानून कहते हुए वापस लेने की मांग कर रहे हैं। भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों में बस ट्रक ड्राइवरों ने सड़कों पर जाम लगा दिया है। वहीं ड्राइवरों का कहना है कि सरकार को ऐसे काले कानूनों में संशोधन करना चाहिए। अब जब बस और टैंकर के पहिए थम गए हैं और अगर यह लगातार कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा तो लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लोगों को पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की किल्लत सहनी पड़ेगी, जिसको देखते हुए पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि ड्राइवरों की ये हड़ताल कहाँ जाकर रुकती है और क्या सरकार इस पर अपना फैसला बदलती है। ऐसी ही खबरों में जुड़े रहने के लिए देखते रहें स्वरमय टाइम्स।